Today, I'll be telling you the management of shop and we are presenting a small drill. And सबसे पहले shop के management के लिए जरूरी है कि हमारा emergency room बिल्कुल तैयार रहना चाहिए कोई भी patient जो serious condition में आ रहा है उसको manage करने के लिए. तो आइए चलिए हम आपको अपने यहाँ का emergency room दिखाते हैं और हमारे वहाँ पे क्या क्या सामान available रहना चाहिए. So this is our emergency room. As you can see, what are the things which are required, necessary equipments. Number one, सबसे पहले suction machine यहाँ होनी चाहिए जो कि working condition में होनी चाहिए, check करा हुआ होना चाहिए इसको. Then we have the emergency trolley. तो देखते हैं emergency trolley में हमारे पास क्या क्या सामान होना चाहिए. Syringes, 10 cc की दो तीन syringes होनी चाहिए, 5 cc की 2 cc की syringes होनी चाहिए. Then we should have drip set, a blood set here. अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत है, वाइट बोर्ड कैनुलस दो कम से कम होने चाहिए जिससे कि फास्ट रेट पे हम फ्लूइड दे सके. देन वी हैव द इमरजेंसी ट्रे जिसमें कि सारे इमरजेंसी ड्रग्स जैसे कि नॉरएडिनालिन, एडिनालिन, डोपामिन, डोब्यूटामिन, लैसिक्स, एट्रोपिन, सोडा बाइकार्ब एंड मैग्नीशियम सल्फेट, ये सारे इंजेक्शन इसमें अवेलेबल होने चाहिए. देन वी हैव वी शुड हैव द यूरोबैग, फोलीस कैथेटर, ग्लव्स, अ टेप, देन स्वॉब्स होने चाहिए, फ्लूइड होना चाहिए, क्रिस्टलॉइज मेनली रिंगल एक्टेट एंड नॉर्मल सलाइन की बॉटल्स होनी चाहिए हमारे पास. देन थर्मोमीटर, देन नेक्स्ट वी हैव द ईपी इंस्ट्रूमेंट, ऑक्सीजन मास्क विद ट्यूबिंग, अम्बू बैग, देन स्वॉब्स रखने के लिए ड्रम होना चाहिए, स्टेराइज ड्रम जिसमें स्टेराइज स्वॉब्स होने चाहिए. एंड देन वी शुड हैव द डिफरेंट कलर्ड बिन्स टू डिस्पोज ऑफ द वेस्ट मटीरियल अकॉर्डिंगली डिपेंडिंग की कौन सा वेस्ट मटीरियल है. एंड देन बेड होना चाहिए, प्रिपेयर्ड ब्लैंकेट एंड देन ऑक्सीजन सिलेंडर विद द की बहुत जरूरी है, नहीं तो अक्सर हम लोग देखते हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर तो होता है की नहीं मिल रही है जब हमें जरूरत है, विद अ मास्क एंड द चिंग. सो दिस इज एंड देन वी शुड हैव अ डॉक्टर, इमरजेंसी डॉक्टर हमेशा अवेलेबल रहना चाहिए. सो वी हैव एन इमरजेंसी डॉक्टर हियर, डॉक्टर शुभम. सो दिस इज हाउ यू शुड बी प्रिपेयर्ड. आपके इमरजेंसी रूम में इतना सामान होना चाहिए जिससे कि जब आपका कोई भी सीरियस पेशेंट आता है तो आपको इधर उधर ना दौड़ना पड़े सामान के लिए. And now we will present a drill. When a serious patient comes to you in the emergency room, how you will manage this patient? Sir, patient कहाँ है? क्या हुआ मरीज को? मरीज को वो हो रही है. अब लेकिन मुझे कहाँ से लेके आए? पहले इधर तो आके लेने. अब ले देखिए भी ले. अब ले ले. अच्छा उसको किसने कराई? डॉक्टर देवी माँ, डॉक्टर नुपुर, बुआ, सिस्टर जल्दी आई, पेशेंट आई है. हुआ है
पल्स पालपेट हो रही है, पीपी पीपी लेना पड़ेगा। आउटपुट आ रहा है, contracted and there is no active bleeding.